क्या नाम है? मेरा नाम सीता यादव है। क्या करती हैं? मैं यहाँ पे सेवानिवृत्त हूँ कार्यकर्ता के रूप में। टीकमगढ़ जिले में कथा का आयोजन किया जा रहा है राजेंद्र तिवारी जी के माध्यम से, और बागेश्वर धाम गुरु जी हैं जो वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उनके द्वारा जो अभी नया युवा है वो सनातन धर्म से जुड़ेगा, और छोटे छोटे बच्चे हैं वो हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे, उनकी महिमा को और उनके तेज को जानेंगे जो हनुमान जी हैं। तो इससे जागरूकता बढ़ेगी और सनातन धर्म का विकास होगा और बढ़ेगा। जी जी, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मतलब कि हिंदू राष्ट्र जैसे श्री रामराजा सरकार का जो राम राज्य था उसमें किसी भेदभाव नहीं था, कोई भी जाति का हो या वो उस टाइम तो जैसे खैर अन्य धर्म के नहीं थे, परंतु उनका कहने का अर्थ है कि सभी एक समान हैं, किसी में ये नहीं है कि कोई अन्य जाति का है या फिर किसी धर्म का है, सब एक ही समान है, कहने का अर्थ उनका ये है। जी, हमारा भारत जो है वो धर्म निरपेक्ष है, जिसमें किसी भी धर्म को ऊपर या बड़ा नहीं माना गया, इसमें मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उनका कहने का अर्थ यही है कि सब सनातन धर्म में एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी को ऊंचा या नीचा नहीं, सब समान हैं। तो उनके कहने का अर्थ ये है। हिंदू राष्ट्र के आप समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें हिंदू राष्ट्र में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, सब समान है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। जी बोलते हैं कि जो हिंदू की लड़कियां हैं जी, मैं कहती हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं, आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, आप सनातन को जानते हैं, फिर उसके बाद अगर आप गलती कर रहे हैं, और जैसे अभी विगत वर्षों में जैसे घटनाएं घट रही हैं, तो लड़कियों को जागरूक होना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। आप माता पिता का गुरुजनों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो ज़माना भी नहीं रहा कि आप कुछ भी सोच के कुछ भी करें। आपको ये उनके अगर वो कह रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी है, और जो अभी घट रही है घटना वो उसका सबूत है। तो लड़कियों को सोचना चाहिए कि वो कह रहे हैं तो किसी माध्यम से और लड़कियों को जागरूक करने के लिए ही बोल रहे हैं। अपने धर्म में शादी करनी चाहिए? जी, अपने धर्म में शादी करेंगे तो आपका धर्म और जो सनातन धर्म है वो तो आगे बढ़ेगा ही। तो लड़कियों को मैं ऐसा कोई फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि सबका अपना अपना मत होता है, लेकिन समझे और सोच समझ के जो भी करें यही बोलूँगी मैं।